हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ये नहीं खुल रहा, मैं नई नगरी का बात जा रही। आउच। I'm sorry। यही कि तुम मेरी बीवी हो और इस घर से निकलने से पहले तुमको मेरी पीजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। इम्पॉसिबल, मुझे आदत ही किसी और की मर्जी पर चलने की और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। लगता है दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ है तुम्हारा। अच्छा पता क्या है, ये चने की दाल मैंने लिख दिए, ये कबाबों का सामान है सब। ठीक है तो देख लो भाई, एक दो तीन चार, ये पांच चीज़ें तो देख लो। देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम बीजी। वालेकुम अस्सलाम। आ तुम जल्दी आ गए। हाँ छोटी सी मीटिंग थी, जल्दी ख़त्म हो गई इसलिए वापस आ गया। कैसी रही मीटिंग? हाँ मीटिंग तो बहुत अच्छी थी, अब आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है मुझे। बस तुम इसी तरह से मेहनत करते रहना, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा वो मेरा एक प्रोग्राम था, बस तुम 5 किलो वाला ले आना। अच्छा तुम ऐसा करो, अभी पहले साहब के लिए चाय लो। ठीक है जी भैया। जाओ मिशी शावेस आ गए। अच्छा वो शावेस जी, मेरा प्रोग्राम बन रहा था कि मैं जरीना के यहाँ हुआ। हाँ तो आप तैयार हो जाएं, मैं चेंज करके आता हूँ फिर ड्रॉप कर देता हूँ आपको। वैसे आज पता नहीं क्यों मुझे सायरा बहुत याद आ रही है। अचानक तुम्हें सायरा कैसे याद आ गई? वो एक्चुअली आज जब मैं ऑफिस से लौट रहा था तो एक लड़की को देखा, बिल्कुल सायरा जैसी। मैंने उसको काफ़ी आवाज़ें भी पुकारा उसको, पर उसने पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया, बस वैन में बैठी हुई चली। सायरा होती तो जवाब देती ना। अच्छा चलो तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, मैं ड्राइवर को लेकर चली जाती हूँ। ठीक है मैंने तुमसे कहा था मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं कोई शर्त नहीं मानूंगी। तो फिर मुझसे भी किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। शावेस, I want a divorce अभी के अभी। बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है। बहू के मामले में समझौता करना पड़ता है। मैं बहुत बदल गई हूँ आपा, वरना जानती है ना आप, मैं तो अपने नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। शुक्र है अल्लाह का आपा, आज आप मेरे घर आ गई, मेरे तो नसीब ही खुल गए। बस एक बात बताओ, आज बहन की याद कैसे आ गई? अच्छा ये बात है, ये मैं तुम्हें भूलती कब हूँ। अजरीना रोज सोचती थी कि आ जाऊंगी, बस ऐसे कामों में फंसती थी ना, आ नहीं सकती थी। और तुम कौन सा आ गई आपा के पास? आपा आपा मेरी तो पूछो ही कुछ ना, ऐसी मसलों में उलझी हुई हूँ कि क्या बताऊँ, ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। अरे जरीना क्या हो गया, खैरियत तो है? और तो मुझे थोड़ी सी सेहत भी कम लग रही, तबीयत ठीक है? बस आपा क्या बताऊं। खैर एक बात बता रही हूँ मैं, आज मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, आप मेरे पास ही रहोगी आज। क्या पकाऊं अपनी बहन के लिए बताओ? क्या तकलीफ में पड़ गई है, कब चाय पिलाओ। चलो अच्छा कबाब भी बना के लाती हूँ साथ, ठीक है? फरहान साहब मैंने आपसे कहा था इस फाइल में डेटा कंप्लीट नहीं है, तो फिर भी आपने मेरे पास भिजवा दिया इसको। मुझे बताएं मैं क्या जवाब दूं, बॉस से मैं बात करूंगा ना अभी। आप मुझे फरहान साहब मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने तुमसे कहा था मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं कोई शर्त नहीं मानूंगी। तो फिर मुझसे भी किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। शावेस, I want a divorce अभी के अभी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस चिड़चिड़े एटीट्यूड से डर जाऊं? भूल है तुम्हारी,
मैं तुम्हारे या तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूं जिसके गुस्से से डर जाऊंगा। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है शाबिश, डिवोर्स दो मुझे, नहीं हूं मैं खुश यहाँ पर, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। तुम्हारी और हमारी क्लास में यही तो एक फर्क है, हमारे यहाँ रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाया जाता है, तुम्हारे यहाँ रिश्ते की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं रिश्ता तोड़ने पर नहीं जोड़ने पर बिलीव करता हूँ। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, मुझे मालूम है कि मेरे और तुम्हारी क्लास में बहुत बड़ा फर्क है। मुझे झोपड़ी में रहने का कोई शौक नहीं है शावेज, मुझे डिवोर्स दो। मोहतरमा मैं भी आपके साथ खुश नहीं और मुझे भी आपके साथ नहीं रहना। ये शादी मेरे गले में पड़ा हुआ वो ढोल है जिसे मुझे ना चाहते हुए भी बजाना पड़ा, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप भी चुप रहकर ये ढोल बजाएं। अगर ये ढोल मैं तोड़ दूं तो? तोड़ के दिखाओ। बहुत जल्द। ये क्या खाली चाय? अच्छे भले कबाब बना रही थी आपके लिए, खाम खामे मना कर दिया। आप तो खाने का टाइम भी हो रहा था ना। अच्छा, अगर मुझे भूख लगती मैं तुमसे कह देती ना कबाब तल दो। अरे, मेरा कोई तकल्लुफ है तुमसे? सब जानती हूँ मैं, मुझे देखते के साथ ही तुम्हारी भूख जो है ना वो उड़ जाती है। चल, सच बोल रही हूँ। आपा, एक तुम ही तो जो मेरी परेशानी को समझती हो। बहन ही बहन का दुख समझती है और कौन समझेगा। और मुझे ये बताओ, बहू क्या रोट कर मैके बैठ गए? हाँ पा, वो मुझसे अलहदा रहना चाहती है। अरे, इस हालत में अलहदा रहना चाहती है क्यों? उसको मेरी रोक टोक पसंद नहीं है। देखो जरीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा सा अपना मिजाज बदलो। देखो, बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है। बहू के मामले में समझौता करना पड़ता है। मैं बहुत बदल गई हूँ आपा, वरना जानती है ना आप, मैं तो अपने नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। अब बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त कर जाती हूँ। जरीना, अगर ऐसा है ना तो फिर बहुत अच्छा करती है। देखो, कामयाब इंसान वो है जो वक्त के साथ अपने आप को बदले, और जो लोग वक्त के साथ बदलते नहीं है ना, पीछे रह जाते हैं। पापा, मैं तो अपने आप को बदल कर भी ना नाकाम रही। मेरा बेटा असगर, वो मुझसे बदल गया, मुझे छोड़ के चला गया, और तो और वो अपने होने वाले बच्चे और बीवी पे मेरी परछाई भी नहीं पड़ने देता। सरीना, परेशान मत हो। देखो, वो बच्चा है, किसी की बातों में आ गया होगा, वरना वो अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों करे? तो मेरी बात मानो, उसके लिए हदायत की दुआ मांगो, तुम देखना वो वापस आ जाएगा। मेरी दुआओं में असर नहीं रहा आपा, आसमान तक जाके लौट आती है। नहीं, ऐसे नहीं कहते सरीना, अल्लाह सबके सुनता है। मैं असगर से बात करूंगी, मैं मालूम करूंगी कि वो इतना कठोर क्यों हो गया। आपा, आपा तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम एक लफ्ज भी बोलो असगर को तो देखो। आपा, जिस औलाद ने अपनी माँ की नहीं रखी वो तुम्हारी क्या रखेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं असगर से कुछ नहीं कहती। परेशान तो मत होना, तुम्हें यूं देखकर यकीन करो मेरा दिल बैठ रहा है। चलो अपने आप को ठीक करो।
हेरा उदास क्यों बैठी हो? मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा। फिर से वही बात। हेरा मैं जानती हूँ कि इरफान और मंसूर का जुर्म नाकाबिले माफी है, मगर इस हादसे को बार बार याद करने का क्या फायदा? तुम इस लम्हे की कैद से बाहर आ जाओ और यकीन दिलाओ अपने आप को कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। सरा तुम्हें कितनी बार मना किया, मेरे बच्चे को बद्दुआ मत दिया करो, जिंदा है वो। वो जिंदा नहीं है हेरा, खुद को इस धोखे से बाहर निकालो, वो मर चुका है और वो उसको जिंदा रखने के लिए नहीं ले गए थे। जिंदा है वो फरा, जिंदा है वो। मेरा दिल कहता है कि मेरा बच्चा जिंदा है। हेरा अगर वो जिंदा होता, इतने सालों में कोई तो खबर मिलती उसकी। पर खबर कैसे मिलती भला? किसी ने उसको कचरे के डब्बे में कोई एड्रेस लिख के थोड़ी फेंका था जो कोई हम तक पहुंचा देता? नहीं भरा, मेरे खून की महक, मेरे जज्बों की तड़प, मेरी सारी दुआएं मेरे बच्चे को मेरे पास लेकर आएंगे। देखना देखना तुम, एक ना एक दिन मेरा बच्चा मेरे पास जरूर आएगा, देखना तुम बरा। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, वॉक पर चलोगी मेरे साथ? सॉरी फरा, मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और ऐसा कभी सोचना भी मत। चल। फरीदा, फरीदा जी। बीबी जी। बहू उठ गई क्या? काफी देर हो गई। अच्छा तो तुमने नाश्ता दिया उसको? मैं कब देती नाश्ता, वो तो बाहर चले गए। बाहर चले गए, कब गई है? काफी टाइम हो गया बीबी जी, आपको बता के नहीं गई? हाँ हाँ, उसने मुझे बताया था, मैं ही भूल गई। अच्छा तुम जाओ, मेरे लिए ग्लास पानी कर लिया। जी बीबी। हाथ धो लेना सही तरह से। ये गुस्से पे काबू रखो, ये सिखाया मैंने तुम्हें? कोई आपसे बदतमीजी करे मैं खड़ो के सुन लूंगा क्या? मुंह ना तोड़ दूं मैं इसका। ना मैं तुमसे डरती ना तुम्हारी इस चालाक बुढ़िया से। बकवास निकाल, क्या कर रहे थे? चल के भाईजान और मिशी से एक्सक्यूज कर लेते। मॉम शायद आपको याद नहीं, जाते हुए आप हसन अंकल से झगड़ गए, आपने तो उन्हें बताया भी नहीं कि आप जा रहे हैं। रऊफ अंकल कहाँ हैं? सेब कल से मुल्क से बाहर गया। आंटी? हाँ बेगम सेबा भी साथ गया। कब तक वापस आएंगे? वो हमको क्या मालूम, वो तो हमको बोल गया है कि पूरे। अच्छा वो बात। बड़ा अजीब लड़की, हमको कहता है कि मुंह बंद करो, अगर हम मुंह बंद करेगा तो बोलेगा कैसे?
बीबी जी खाना लगाओ। नहीं मुझे भूख नहीं है। आपने अब तक खाना नहीं खाया, शाम हो गई है, साहब को मालूम होगा तो वो नाराज होंगे। कौन बताएगा शाह भैया इसको? तुम जाओ, जब मुझे भूख लगेगी मैं खाना खा लूंगी। जी बेटी। अच्छा फरीदा, किचन में तुम्हारे लिए खाना बांध कर रखा है, जाती भी लेती जाना। जी बेहतर बीबी जी। बहू कहाँ थे तुम? इतने परेशान थे, कहाँ चली गई थी बेटा? अरे बेटा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या मसला है आपके साथ? हर वक्त मेरी जासूसी में क्यों लगी रहती हैं आप? अपने काम से काम रखा करें। अरे बेटा मैं तो, मैंने कहा ना काम से काम, और ये मुझे बहू अहू मत बोला करें। बेटा ऐसे क्यों बैठे हुए हो? आ जाओ खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा कुछ खाओगे तो भूख लगेगी ना, आ जाओ। रहने दे बीजी, अगर इसको भूख नहीं है तो क्या फायदा खाना खाने। अब क्या करे तुम, तुम्हें खुद इसरार करना चाहिए उसे के खाना खाए, और तुम हो के अजीब मियां बीवी हो तुम दोनों, मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे यहाँ का घटिया खाना नहीं खाना है। अरे क्या कह रहे हो तुम? अरे बेटा बुरी बात, इसके बारे में ऐसी बात नहीं करते। मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, आपको जरूरत नहीं है मेरे मामले में टांग अड़ाने की। आवाज बंद करो, ये मेरी माँ, अगर तुमने इनसे मिसबिहेव किया तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? चुप कर जाओ ना, क्या कर रहे हो तुम? नादान है बच्ची है, उसको अकल होती तो ऐसी बात करती वो? खूब जानती हूँ मैं तुम जैसी चलाक बुढ़ी औरतों को, पहले अपने बेटे के कान भरती हो फिर। मैं कह रहा हूँ अपनी हद में रहो तुम। अच्छा क्यों, क्या कर लोगे तुम, क्या कर सकते हो बताओ मुझे। बताओ मैं तुम्हारी, क्या कर रहे हो तुम? गुस्से पे काबू रखो, ये सिखाया मैंने तुम्हें? कोई आपसे बदतमीजी करे मैं खड़ा होकर सुन लूंगा क्या? मुंह ना तोड़ दूं मैं इसका। ना मैं तुमसे डरती हूं ना तुम्हारी इस चालाक बुढ़िया से। बकवास नहीं कर, क्या कर रहे हो तुम? अब अगर तुमने बकवास की ना जान ले लूंगा मैं तेरी। बस करो, बस कर दो, खुदा की तुम्हें मेरी कसम बस कर दो। हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बीजी मैं खुद के खिलाफ की गई हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर आपके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता मैं। तू सब जानता है यार,
मिशी और शावेस के दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा करते, इनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए मेरे अल्लाह, इनका रिश्ता, इनका घर सलामत रहे। परवरदिगार तू जानता है हम इस रिश्ते से कोई लालच कोई हर्ज नहीं, फिर बाकी बच्चे फिर माले, मैं नहीं चाहती बस घर से उजड़ कर जाए, रहम कर मेरे माला रहम कर। बेटा पीर बाबा कहाँ गए हैं? बाबा जी बड़े चिल्ले में गए हैं। अच्छा अच्छा, कुछ मालूम है कब तक आ जाएंगे? बीवी कहा तो है पीर साहब बड़े चिल्ले में गए हैं। अच्छा बेटा, सोच के गई थी कि कभी पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगी, क्या पता था 6 महीने बाद ही वापसी हो जाएगी। यहाँ तो मिशी और हसन अंकल हमें सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, जर्मनी जाके अंदाजा हुआ कि पैसों के बिना लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती। चलो ऐसा करते हैं, चल के भाईजान और मिशी से एक्सक्यूज कर लेते हैं। मॉम शायद आपको याद नहीं, जाते हुए आप हसन अंकल से झगड़ के गए, आपने तो उन्हें बताया भी नहीं कि आप जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों हमें माफ भी करें। मुझे क्या पता था झगड़ा इतना बढ़ जाएगा, बात इतनी बढ़ जाएगी, फिर मैं भाईजान से मिल भी नहीं सकी, ऐसे ही चले गए। मामा आप अंकल को बताएंगी कि डैड को 10 साल की जेल हो गई? दिमाग खराब है, मैं भी नहीं बताऊंगी, तुम भी मिशी को मत बताना। मिशी, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उसका मेरे बगैर। चलो ना, इसीलिए तो कह रहे हैं चल के देखते हैं, मैं भी जरा भाईजान से मिलना समाजत कर लूंगी, मान जाएंगे वो भाई हैं आखिर मेरे। ऐसा करते हैं कि मैं पहले ऑफिस जाके माफी मांगने की ट्राई करता हूँ, फिर मैं और आप चलते हैं मिशी के, क्या कहते हैं? Brilliant idea. Jojo is always full of ideas. साहब है? साहब तो नहीं है, एक हफ्ते से गए हैं यूके। और ये? ये शावेस साहब हैं, क्योंकि साहब नहीं है तो इन्होंने सीट संभाली। ठीक है। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया है? 12 बज रहे हैं तुम्हारी शक्ल पे, क्या बात है मुझे बताओ। मिशी की शादी हो गई, वो भी 2 टके के नौकर के साथ। क्या कह रहे हो तुम? हैं?
मिशी की शादी हो गई, वो भी उस दो टके के लड़के से? मुझे भी यकीन नहीं आया जब वॉचमैन ने मुझे बताया। मैंने अंदर जाके देखा तो शाहवेज अंकल की सीट पे बैठा हुआ था, अंकल की सीट पे। कल तक दो टके का नौकर था, वो आज मालिक बना बैठा है बिजनेस का और मिशी का। हॉल बुला। अरे ये भाईजन को सूझी क्या थी है? जो टटपूंजियों में अपनी बेटी को ब्याह के बैठ गए। क्या भाईजन बिल्कुल ही कंगाल हो गए थे? पर ऑफिस तो अभी तक वैसा का वैसा है। ये सब तो ठीक है, पर मेरा क्या होगा मॉम? चुप करो तुम, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? मिशी का सोचो, वो ऐसे किसी कंगाल से शादी कर सकती है? अरे मिशी तो वो लड़की है जो एक नेल पॉलिश खरीदने जाए ना तो उसका भी ब्रांड देखती है फिर नेल पॉलिश खरीदती है, और ये तो फिर लाइफ पार्टनर है, ऐसा कैसे कर सकती है वो? ये सब अंकल का ही किया था, उसमें इन्हीं की चाल होगी। शुरू से इस दो टके के इंसान शावेज को पसंद करते। जब औरत की जुबान चलती है ना तो मर्द के हाथ चलते हैं। क्या मतलब है आपका? आप मुझे यहाँ पर डराने आई हैं? याद रखिएगा, मिशी किसी से नहीं डरती है। सनी, ये रोज रोज होटलों के खाने, होटलों से चाय, ये चीजें मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक मेरी अम्मा ने मुझे इन चीजों से दूर रखा है। आपकी माँ ने आपको हर अच्छी चीज से दूर रखा है। मुझे पापा से बात करनी है। तो करो बात, किसने रोका? वो मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहे। अच्छा, मुझे क्या पता क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? तुम सब जानते हो कि वो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे। झूठी इल्जाम तराशी की तुम्हारी पुरानी आदत है। अब अगर तुम्हारे फादर तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे तो उसमें मेरा क्या कसूर? जैसा शावेस के माँ हूँ, ऐसे मैं तुम्हारे भी माँ हूँ बेटा। मुझे आपकी बेहतरी की जरूरत नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है, और अगर वो जिंदा भी होती ना तो आप जैसी गरीब औरत नहीं होती। शावेज बेटा, यहाँ आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, और एतमाद भी कि मैं जहाँ आई हूँ बिल्कुल सही जगह आई हूँ। थैंक यू, पर मैम आजकल चेहरे देखकर एतमाद करने का वक्त नहीं है, मास्क लगे होते हैं चेहरे पे, पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।